सरकार की कवायद है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं वो अपनी डिग्रीज या डिप्लोमा देने के बाद दे शुड बी इंडस्ट्री रेडी. उनको इंडस्ट्री रेडी करने के लिए जो सबसे मुख्तलिफ और सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम भारत सरकार की है वो है अप्रेंटिसशिप स्कीम. इसमें भारत सरकार का इदारा है जो बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो वहां से एस के मेहता साहब और इनकी जो टीम हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हमारे जो डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट है और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज हैं सुदर्शन जी और महमूद साहब, उनके साथ मिलकर एक ट्राई पार्टी हमने इवेंट किया है. इस इवेंट का एक बेसिक पर्पज ये है कि जो हमारे इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं कश्मीर वैली के, तो सभी इंडस्ट्री प्लेयर्स यहाँ मौजूद हैं, लगभग 60 से भी ज्यादा इंडस्ट्री प्लेयर्स यहाँ मौजूद हैं, तो लगभग 1000 से भी ज्यादा जो है स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने आप को इसमें रजिस्टर किया है. इस स्कीम का ये फायदा ये रहता है कि जो भी बच्चा जो जब अपना डिप्लोमा कंप्लीट करता है या फिर कोई अपनी बेसिक एजुकेशन लेता है रेलेवेंट इंजीनियरिंग इदारे में, तो वो बेसिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेने के बाद उसकी जो नॉलेज में गैप होता है, जिस गैप को पूरा करके वो इंडस्ट्री के लिए रेडी होता है, उस गैप को पूरा करने के जो ब्रिज है वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है. इसमें मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से कहना चाहूंगा कि ये जो एक एफर्ट है ये एक सीरीज ऑफ एफर्ट है. पहला प्रोग्राम श्रीनगर में हुआ, इसी तरह के आगे प्रोग्राम हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिसाइड किया कि जम्मू में भी किए जाएंगे. तो जहां पे जम्मू में डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है वहां हैवी इंडस्ट्री वगैरह है, कश्मीर में सॉफ्ट इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री है, होटलिंग बेस्ड इंडस्ट्री है. आपको पता है कि एलजी साहब के एफर्ट से यहाँ पे बहुत नए कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है. लगभग 10 से 12 बहुत बड़े जो मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल आ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में. यहाँ पे डिज्नीलैंड के आने की भी कवायद है. इसके अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ नए काम हो रहे हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसमें कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट है. जो स्किल ट्रेनिंग के अंदर बाहर की काफी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आ रही है. आपको डायरेक्टर साहब ने भी बताया कि लगभग जितने लैंड अलॉटमेंट हुआ था पिछले डेकेड में उसे 2 या 3 गुना लैंड अलॉटमेंट नया हुआ है लोकल हमारे इंडस्ट्रियल प्लेयर्स को और आउटसाइड प्लेयर्स को भी. तो उसके तहत बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर आएगा और मुझे लगता है कि जो बच्चों का मुस्तकबिल है वो बहुत पॉजिटिव है. और जितने भी हमारे बच्चों को मैं यही इनकरेज करूंगा कि स्टेट से बाहर जाने के बजाय आप यहाँ पर अपने मुस्तकबिल बनाएं और कंट्रीब्यूट करें और बल्कि अपना एक छोटा स्टार्टअप या इंडस्ट्री लगाएं ताकि आप खुद भी अपने आप को एम्प्लॉयमेंट दें और कुछ और लोगों को भी आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाए. बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नॉर्दर्न रीजन हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और ये हम देश के नॉर्दर्न रीजन जो करीब 1/4 भारत है, उत्तर प्रदेश से लेके लद्दाख तक, इसमें हम नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का कार्यान्वयन करते हैं. तो हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, लगभग हर हफ्ते हमारा कहीं ना कहीं कार्यक्रम होता है. तो हमारे जो भारत सरकार की तरफ से जो जिनको मैं रिपोर्ट करता हूँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब श्री गोविंद जायसवाल जी ने पिछले महीने कार्यक्रम में कहा था कि आप इतना करते हो तो जम्मू कश्मीर के लिए आप क्या कर रहे हो. और फिर हमारे चेयरमैन प्रोफेसर अभय कारंदीकर साहब हैं जो डायरेक्टर IIT कानपुर के डायरेक्टर थे और अभी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी हैं, तो वो भी बार बार स्ट्रेस करते थे. तो फिर हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया और काफी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट से, फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स से, फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन वगैरह से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. और आज हमने अभी इंडस्ट्री मीट अभी हमारा हुआ था तो इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है. काफी अच्छे नंबर्स में, मतलब 60 के ऊपर इंडस्ट्रीज आई हुई हैं और भी कुछ कंपनीज आ रही हैं. और अभी हमारा पैरेलली जॉब फेयर शुरू हुआ है तो इसमें बच्चे काफी आए हैं, करीब 1000 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुआ है. और हमें पूरी उम्मीद है कि आज उनमें से मैक्सिमम बच्चों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. और जो बच्चे बच भी जाते हैं उनका डेटाबेस हम इंडस्ट्री वालों से शेयर करेंगे और आगे उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे. तो काफी अच्छा इनिशिएशन है, शुरुआत बहुत अच्छी है और हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके आने वाले समय में बहुत सारे कार्यक्रम करने वाले हैं और जम्मू एंड कश्मीर को एक मॉडल, मतलब स्टेट कह लें या यूनियन टेरिटरी कह लें, एक मतलब देश में एक मॉडल के रूप में हम उसको उभार के हम दिखाना चाह रहे हैं. फायदा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे पहली बार हो रहा है और इससे मतलब हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है कि हम कैसे आगे चल के जॉब इंटरव्यूज फेस कर सकते हैं. हम चाहते हैं कि ऐसे और हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे ताकि हमें और मतलब फायदा मिले और हमें मतलब एक टाइप का हमें पता चले कि एक्सपीरियंस हो कि आगे चल के हमें जब इंटरव्यूज देने तो हम वो कैसे दे पाएंगे. तो आपकी कहने का मतलब फायदेमंद है, इससे हमें बहुत एक्सपीरियंस भी मिल रहा है क्योंकि आज से पहले कभी हुआ नहीं है बट ये हो रहा है.